पाकिस्तानी बॉलर्स अभी ट्रैक पे आए थे कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने उन्हें ट्रैक से उतार के बड़ी दूर फेंक दिया। एक बारिश जिसने कभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बेहतरी नहीं की, सिवाय वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच था। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि बारिश पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक में कभी बेहतर हुई हो। और फिर मोहम्मद रिजवान ने जो सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया कि हम अब ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए कोशां, तो इस बात ने भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बड़ा गुस्सा दिला दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज दिगाबा ब्रिस्बेन में खेला गया। पहले बारिश तशरीफ ले आए, तकरीबन 2-3 घंटे तो बारिश ही नहीं रुकी। फिर जब बारिश रुकी तो ये डिसीजन हुआ कि भाई 7 ओवर्स का मैच होगा। अब हम ही यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि भाई हमारे 20 ओवर्स वाले बैटर्स तो चलो गुजारा कर जाएंगे, अब 7 ओवर्स में हमारे पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो छक्के मार सकता है, जो पाकिस्तान को मुश्किल हालत से अगर मैच फंस जाए तो निकाल सकता है, तो कोई नहीं मिला। बहरहाल T20 मैच 7 ओवर्स का हुआ, टॉस हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, तो इनके जहन में यही था कि भाई जिस तरह ODI में हमने पहले बॉलिंग की थी और इन्हें जकड़ लिया था तो ऐसे ही होगा आज भी। ऐसा शुरू में ऐसे ही लगा, पहले बॉलिंग का फैसला किया, जब ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स जैक फ्रेशर मैग्रक और मैथ्यू शॉर्ट आए तो उन्हें बड़ी जल्दी हारिस रऊफ और नसीम शाह ने टपका दिया। मैथ्यू शॉर्ट ने 7 और जैक फ्रेशर मैग्रक ने सिर्फ 9 रन बनाए। लेकिन फिर वो मैक्सवेल जिसने तीनों ODI मैचेस में हारिस रऊफ ने आउट किया था, जिसे हम कह रहे थे कि हारिस रऊफ अब उसके लिए डरावना ख्वाब बन गया है, उसने अभी ये बताया कि भाई मुझे डरावने ख्वाब आए कभी नहीं। 19 गेंदों पे 226.32 के स्ट्राइक रेट से उसने 43 रन की इनिंग्स खेली। और फिर उसने जो गंगा बहाई वहां पे साथ मार्कस स्टोइनिस ने आके अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया, वो भी लास्ट ODI मैच में जब वो आया था ना उसने परफॉर्म नहीं किया, तो बड़े उसमें भी तनकीद हम भी कर रहे थे, बड़ा हंस रहे थे कि भाई देखो ये आया ऑलराउंडर परफॉर्म करने। तो सिर्फ 7 गेंदों पे उसने 21 रन बनाए, 1 छक्का लगाया 2 चौके। ओवरऑल एट द एंड ऑफ 7 ओवर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 94 रन का टारगेट मिला, 93 for 4 टीम ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स एंड की। पाकिस्तान की जानिब से अब्बास अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, हारिस रऊफ ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया, शाहीन अफरीदी को विकेट को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे सबसे महंगा जो बॉलर साबित हुआ है पाकिस्तान की जानिब से वो नसीम शाह साहब हैं, जिन्हें 2 ओवर्स में 18.50 के इकोनॉमी रेट से 37 रन लगे हैं। जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बैटिंग करने आई 94 रन का टारगेट था, रन रेट 12 से भी ज्यादा थी, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कोई हार्ड हिटर होना चाहिए था। ओपनिंग करने आए जनाब साहबजादा फरहान और विकेट कीपर कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब। रिजवान साहब तो आते ही चले गए ना, बड़ी जल्दी कर दी जाने में मेहरबान ने, 8 रन दे के पहली विकेट गिर गई, साहबजादा फरहान हुए। साथ ही मोहम्मद रिजवान भी सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया और बगैर अपना खाता खोले पवेलियन की तरफ लौट गए। फिर बाबर आजम साहब आए जो ODI में तो नंबर 1 हैं, उन्होंने भी 3 रन बनाए, वो भी चले गए। उस्मान खान जिन पे हमें बड़ा था उम्मीद थी कि भाई PSL में तो ये बड़े छक्के चौके मारता है, यहाँ भी कुछ करेगा, 5 गेंदों पे 4 रन बनाए। आगा सलमान आए वाइस कैप्टन, उन्होंने 2 गेंदों पे 4 रन बनाए, 1 चौका लगाया और वो भी चले गए। फिर आए जी इरफान खान न्याजी, ये हमें उम्मीद थी कि ये हार्ड हिटर हैं, कुछ अच्छे हिट्स लगा लेते हैं, तो उन्होंने तो अपना खाता ही नहीं खोला। फिर जनाब हसीमुल्ला खान आए, इन्होंने 8 गेंदों पे 12 रन बनाए, 1 छक्का और 1 चौका लगाया। और आखिर पे जब यहाँ पे अब्बास अफरीदी आए तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी अपनी इस्तेआत के मुताबिक हिम्मत की, 10 गेंदों पे 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने भी 6 गेंदों पे 11 रन बनाए और इन द एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम 64 रन बना के 9 आउट हुए, यानी ऐसे ही समझिए कि हम ऑल टीम ही आउट होगी। एक खिलाड़ी बच गया था बेचारे को, मौके नहीं मिला आके खेलने का हारिस रऊफ को। तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हेक्सेवियर बार्टलेट ने और नेथन एलिस ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया, एडम जैम्पा ने 2 और स्पेंसर जॉनसन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इन द एंड मैच में यहाँ वही जाहिर है, मैन ऑफ द मैच तो मैक्सवेल ने लेना था, भाई उसने इतनी जबरदस्त और कमाल की इनिंग जो खेली थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब ये जो 3 T20 मैचेस की सीरीज है 1-0 से टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ झुका ली है। अब अगले 2 T20 मैचेस में देखते हैं क्या ODI की तरह टीम पाकिस्तान कम बैक करेगी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यह तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे आज के मैच में हमें जो जेन्युइन बात है वो फख्र जमान की कमी बड़ी महसूस हुई।
जब 94 रन का टारगेट था तो यकीन जाने वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई पाकिस्तान जीत भी सकता, मौजा ही था। वैसे जो अंदर एक शैतान था, अंदर एक चीज थी, वो ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तान ना जीतने वाली बात बहुत मुश्किल है।